Krishna, Lila, Krishna, Sudrasya, Avdhajya, Madhurya, Gunaitya, Yuktam, Varam, Varanyam, Purusam, Mahantam, Narayanastam, Sirasanman, Namaram, Vishnu Padaya, Acharya, Sindhu, Rukmini, Sri Sri Madhavati Prajnana, Kesavaitinani, Ati Marta Charitraya Svatrita Nancha Palini Jiva Dukhe Sadatraya Sri Nama Prema Daya Namayam Vishnu Padaya Krishna Prashthaya Bhutale Trimate Bhakti Siddhanta Saraswati Tinamne Sri Bhartavarna Devi Daitaya Kripadvai Krishna Samandha Vijjana Daini Prabhavinam Madhur Jyotala Premajha Sri Rupa Nuga Bhaktida Sri Gaura Karuna Sakti Vigrahaya Namastute Namaste Gauravani Sri Murtai Vilasayini Sri Rupa Nuga Virthava Siddhanta Dhantahari Namo Gaura Vishwaraya Satsat Vairagya Murte Vipralam Bharatambhade Padam Bhujaya Senam Namo Bhakti Vinodaya Satsidam Nandanamini Gaura Sakti Swarupaya Rupanu Gavaraya Se Gaura Vibhava Mishtan Nirdeshtha Swajana Priya Vaishnava Sarvabhaumasri Jagannathaya Te Namah Vancha Kalpataru Bhrashta Kripa Chandrubhai Vacha Patitanam Pavanibho Vaishnavibho Namo Namah Vrindai Tulasi Devai Priyai Kesavastaja Krishna Bhakti Pradvi Satyavasai Namo Namah Jaitam Suratoru Pangur Mama Mandamati Gati Matsarva Svapadam Bhujo Sri Radha Madan Mahano Vipad Prindara Kalpadu Madho Sri Madratna Gaya Singhasanasto Sri Sri Radha Sri Lagavinda Devo Prishalibi Sattvav Manasmaram Sri Manakasara Sarambi Vansi Vajata Kastita Karsana Veno Sanayi Bhavi Gopinata Sri Asuna Vrindavi Tulasi Devai Priyavi Kesavastaja Krishna Bhakti Pradadevi Satyavatai Namo Nam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Krishna Hari Krishna 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 Hari 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 H
आसक्तो बाव बाव श्री कृष्ण चैतन्य पास में आ गए फसी है इसको अरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु Thank you.
गायते पारो ना आर की गायते पारे साढ़े छह हो गया इधर इधर हरे कृष्ण मन इधर बंद कर मनिंदा वृंदा वंदिते त्रिलोक शोकहारी प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भोविलासिनी प्रचेत्र मायु नंदिनी प्रचेत्र मूल संगते कथा करी सती ब्रह्मा कृपा कटा समाजन अशोक भीष्म वल्लरी Thank you.
Thank you.
Vrindavana Manoharam
अर्थात महाराज जन भयभीत होते हैं आज उन्हीं स्वयं प्रभु जिनके नाम सुनने सब भयभीत वो आज मां के डर से भाग रहे हैं उसमें दिखाया लसत कुंडलम उनका प्यार कुंडल गाल कपोल को चुंबन कर रहा है कभी बार बार लग रहा है इसमें जितने भी कृष्ण के आभूषण है समस्त आभूषण के प्रतीक कुंडल क्यों केवल कुंडल ही कपोल को चुंबन कर सकता दूसरे अलंकार नहीं इसलिए जितने भी आभूषण है सबसे सौभाग्यवती कुंडल का है इस पर भी कपोल को चुंबन अधिक कौन करते हैं मैया जसोदा मातृस्थानी गोपियां उससे भी अधिक किशोरी गोपियां उनसे भी अधिक श्रीमती राधा ठाकुरानी इसमें दिखा है सच्चिदानंद रूपम कृष्ण क्या है समस्त अवतारों के अवतारी वैष्णव की जो मोह हुआ था इससे पहले समस्त पुराणों का पंचम वेद महाभारत का वेद वेदांत सब आलोचना लिख चुके थे मन में शांति नहीं मिली जब अपने गुरु जी नारद ऋषि आए गुरु को प्रणाम किया यथावत जैसे आरती उतना सब किया बोलता व्यास तुम ये खिन्न क्यों हो मैं गुरुदेव जी मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप ही वैद्य है आप मैं नाड़ी देख करके बता दीजिए मेरा कमी क्या है पहले पहले वैद्य लोग इतना एक्सपर्ट थे आपको कुछ कहना नहीं पड़ेगा केवल ऐसे नाड़ी पकड़ेगा बता देगा क्या है दवाई दे देगा इस समझ कितने टेस्ट है ये टेस्ट बस इसी में तुम्हारा जेब खाली कर देगा जब रघुनाथ दास गोस्वामी ब्रज में भजन कर रहे थे एक बार उनका तबीयत खराब हुआ लूज मसन हो गया उस समय तो राधापुर वृंदावन तो लोग रहते थे एक एक के दुख के रहते थे सब मथुरा में मथुरा से वैद्य को ले आए वैद्य हाथ पकड़ के देखिए बताया ये बंगाली बाबा है ना ये बहुत चावल खा गया इसमें सब बाबा ही चावल खाते हैं बंगाली बाबा नहीं सब बाबा ही चावल खाते हैं फिर ज्यादा खाने से तो बहुत तो ब्रजवासी लोग कृष्ण परमानंद साले व्यंजन ये बाबा चावल खाता है दिन भर में चुल्लू भर माठा पीते हैं और कुछ नहीं आप कुंबला गली देना शुरू किया वैद्य बिगड़े नहीं बताया विश्वास न हो बाबा को पूछिए बाबा ये साला क्या बोल रहा है बैठ कितना दिमाग खराब हो गया बोला आपने बहुत चावल खा लिया बताया नहीं वैद्य ठीक कह रहे हैं जब बोले अवाक हो गए वैद्य ठीक बाबा ये कैसे तब बताया काल में भजन करते करते समाधिस्थ हो गया था ये मानव शिशे बात कैसे कर दिखा रहे हैं बताया ब्रजी राधा कृष्ण सेवा मानो से करीबे तो उस समय क्या किया मनी मन मैंने रसोई बनाया बहुत सुंदर खीर बनाई उसमें चिरंजी तरह तरह के मेवा डाला फिर होने के बाद इत्र के उड़ा दिया और भोग लगाया भोग लगाने के बाद राधा जी को दिया राधा जी कृष्ण को आरोगा कृष्ण थोड़ा खाते बताया राधे ये किसने सुंदर इतना टेस्टी बनाया बोला मेरे एक नवीन दासी है कौन है बुलाओ रुति मंजन ने बुलाया बोले देख कितने सुंदर टेस्ट है वो लिया सब मनीमन हो रहा है राधा जी बोले ये तो अंदर काला बाहर कैसे बात तू क्यों मानी तू तो मेरी दासी है ले मेरे हाथ से ले फिर राधा जी फिर खाए कृष्ण बता देखो तो ना तुम्हारी जो ईश्वर है तो मुझे खिला दे ले थोड़ा ले ऐसे तान बैठाने के बाद राधा जी बार कृष्ण जी दिया जबरदस्ती खिला दिया खिलाने के बाद विरोध को धन भंग हो गया और इतना खीर खाया मैंने इसलिए मैं पचा नहीं सका बहुत सालों तक तो खाया नहीं कुछ इसलिए पचा नहीं सका तो इसलिए पेट खराब हो गया अभी पेट में चावल है बिल्कुल ठीक कहा यही है मानसी सेवा मन में कर रहे हैं शरीर में इसका प्रभाव दिख रहा है तभी मानसी सेवा नहीं तो मनी मन कर लिया गुरुदेव के समय कुछ भक्त लोग कहते थे मैं मानसी सेवा कर रहा हूं या कर रही कुछ सेवा नहीं करेगा कुछ विदेशी लड़कियां
मानव सेवा करे सो रहा है क्या मानव सेवा करेगा बोले जी मानव सेवा करेगा मतलब रागानुगा भक्ति कर रहा हूँ कर रही हूँ और मानव से सेवा कर रही हूँ तो गुरुदेव बोलते हैं एक काम कर तू मन ही मन बाथरूम जाना से बंद कर दे तब देखूंगा कैसे मानव से सेवा तू कर रही मन ही मन प्रसाद क्या करोगे बेटा कपड़े में बिस्तर प्रसाद कर दे क्या करेगा तो बताया ये मानव से सेवा है ये समस्त उसी में जब व्यासदेव को बताया नारद जी ने कृष्ण स्वयं भगवान कभी लिखा गुरुदेव मैं जानता नहीं ये किया कृष्ण समस्त जगत के अखंड ब्रह्मांड के नायक होकर के ब्रज के प्रेम में विस्मित हो जाते हैं लिखा मैं जानता नहीं माँ के प्रेम में बंधन शिकार करते हैं लिखा जानता ही नहीं सखा के कंधे चढ़ते सखा को कंधे चढ़ाते लिखा पता ही नहीं फिर बता देखो सख रस में क्या किया खेल धूल में कभी कृष्ण जीतते कभी हारते एक बार कृष्ण क्या करते सब समय सिद्धांत को ही अपने राजधानी समझते कृष्ण को राजभलरी समझते कि वो ये भी राजपुत्र अभी राजपुत्र अश्रीराम उसको हरा दिया थोड़ी देर बाद कृष्ण अपने आप ताली बजा रहे हैं बता काना तो ताली क्यों बजा रहा है सखा लोग पूछ रहे हैं बोले क्योंकि मैं जीत गया श्रीराम हार गया बोले तू जीता श्रीराम हारा और क्या कैसे हम तो देख रहे हैं श्रीराम जीता तू हारा ये कैसे हो गया बता देख बोले सीधा उधर छाती पर बैठा हुआ था बोले हाँ ये भी सच है तो तू जीता कैसे बोले सीधाम जब मेरे छाती पर बैठा था सीधाम का नाम नीचा था मेरा नाम ऊंचा था इसलिए मैं जीता बोले नया थियोरी बोला हाँ ये है पास में दुर्वासा ऋषि बैठे थे ये कैसे भगवान है भगवान तो झूठ नहीं बोलते ये तो सरासरी झूठ बोल रहा है मैं तो देखा ये झूठ नहीं ये तो सिद्धाम जीता कैसे हो गया दुर्वासा सोच रहे हैं कृष्ण को दया आई हो तुम मेरा भगवत्ता देखना चाहते हो अच्छा मन ही मन सोचा सिद्धाम देख 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 उधर बाबा बैठा है चल बाबा के पास चलते हैं बाबा तो झूठ नहीं बोलेगा चल सब लोग बोला कृष्ण बोला नहीं किसी गण्यमान्य व्यक्ति के पास जाने के कारण जाने के लिए बहुत सारे लोग नहीं जाना चाहिए एक के दुख के जाना चाहिए तो तुम लोग को नहीं जाना है बोले साले तुम्हारे बात में हमारा विश्वास नहीं है बोले सीधा हम जाएगा तो पूरा ठीक है गए दुर्वासा बैठे थे जाके बोला बाबा बोल कृष्ण जीता सीधा हरा बोल बाबा बोल कृष्ण बोले दिखा रहे हैं सीधा बोले बाबा सावधान तू भजन करने के लिए ब्रज में आया है झूठ बोलेगा तेरा सब भजन चौपट हो जाएगा बोल कृष्ण बाबा तू एक बात नहीं बोल सकता है कृष्ण जीता सीधा महाराज फिर सीधा बोले बाबा तू जो देखा आके देखा हाल बताना झूठ मत बोलना आप दोनों के बात सुनकर के दुर्वासा सोच रहे ये है कौन मैं तो अम्बरीश महाराज के पालना में पड़ा था उस समय तो मेरा जैसे तैसे हो गया इतने बच्चे इतना मिठास बोल रहा है उधर भी ब्रह्मवासी वैकुंठ में नारी इतना मीठा नहीं बोलते बच्चा है कौन अरे बाबा तू बात नहीं बोल सकता बोल तो डर का ऐसे हो गया आपके पापनी नहीं गिर कृष्ण मुख में समा गए चार सेकेंडो में बहुत से ब्रह्मांडों को घुमा दिया इधर मैं इधर हूं इधर ये क्या बात है देख करके समझ रहा फिर दूसरे किसी ब्रह्म यही लीला चल रहा था कृष्णा बलराम कृष्णा सिद्धांत वहीं पर गए पूछा पूछ रहे हैं ऐसे उधर दुर्वासा कृष्ण निकल रहे बोलिए बाबा ने ढाबा है बाबा बोल नहीं सकता क्या किया बाबा क्या ढूंढा है बोल नहीं सकता ऐसे दाने को झकझोर दिया सीधा पड़ा बाबा तू बहरा है सुन नहीं पाता ये गूंगा बहरा से करके अच्छे झकझोर दिया चले गए नारद जी ऐसे लिखा बोले गुरु जी मुझे पता ही नहीं जशोदा बोले माया के
प्रेम से बंद ये लिखा गोपियों से हार करके बोलते हैं ना पा रहे हो ये लिखा बोले कुछ जानता ही नहीं फिर बता तुम लिखो कृष्णस्तु भगवान स्वयं फिर लिखा यते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं फिर ब्रह्मा जी पहले ही बता दिया रामादिशु मूर्तिशु कला नियमन तिष्ठन दिखा दिया ईश्वर परम कृष्ण दिखा दिया गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि दिखा दिया फिर इस समय प्रश्न हो सकता है तो अठारह पुराण रचना करने के बाद भी इनका मोह हुआ व्यास जी को तो क्या भागवत रचना नहीं बता हुआ था चतुश्लोकी विशाल रूप में नहीं था अब बता रहे हैं क्या है सच्चिदानंद रूपम समस्त जगत के वंदनीय ईश्वरों के ईश्वर समस्त अवतार के अवतारी मूल अवतारी नंद जसोदा मैया गुरुजन को वंदना करते हैं प्रतिदिन कृष्ण सुबह उठकर के मैया को और पिताजी को पैर छू के प्रणाम करते थे शास्त्र में इसका वर्णन है स्वयं भगवान होके देखिए शिक्षा दे रहे हैं सखाओं के साथ खेलने में हार जाने पर भी अपने को आनंदित समझते थे और उनका झूठा खाते थे उनको खिलाते थे केवल कृष्ण ही झूठा खाते हैं भगवान राम नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम कोई बते सबरी के झूठा बेल झूठा बेल मतलब क्या सबरी जंगल में जाती जा करके जिस पेड़ का बेल मीठा उसको तोड़ के रखकर खा के झूठा नहीं दिया कृष्ण ऐसे चलेगा नहीं महान अपराध हो जाएगा राम महा भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा लंघन करने पर कुछ चलेगा नहीं और गोपियों से बार बार पराजित होकर के भी अपने को सौभाग्यवान समझते हैं रास के समय ब्रज सुंदरियों के साथ रमन करने की इच्छा से कृष्ण बंसी वादन किया ब्रज गोपियों को बुलाया कृष्ण आत्मा राम आप तो काम हो करके भी क्या किया गोपियों से रमन करने के लिए गोपियों को बुलाया आत्मा राम जो आत्मा में रमन करते हैं आप तो काम जिसकी समस्त कामना पूरा हो चुकी है आत्मा राम किसे कहते हैं कृष्ण के लिए आत्मा राम क्यों बताया आत्मा तुराधिका तयैव रमनादसो आत्मा राम तथा प्रोक्ता प्रच्यते गुरवे दिभिः आत्मा तु राधिका तस्य तथा कृष्णस्य कृष्ण के आत्मा कौन है श्रीमती राधिका तयैव रमनादसो उनके साथ रमन करने के कारण प्रच्यते गुरवे दिभिः जो लोग रहस्य रस के रसिक अर्थात श्रृंगार या मधुर रस के रसिक वही लोग कृष्ण को आत्मा राम बोलते हैं आप तो काम क्या है कृष्ण कामना क्या है ब्रज में गोप गोपी गोवत्स ये सब उस उनको उपलब्ध से आत्मा काम आप तो काम है क्या किया आत्मा राम आप तो काम होकर के भी ब्रज गोपियों को बुलाया ब्रज गोपी कृष्ण को नहीं बुलाया कृष्ण ही गोपियों को बुलाया रास करने के लिए वो कैसे है सच्चिदानंद सच्चिदानंद के व्याख्या में गुरुदेव ये सब दिखा रहे हैं सर्वथा नव किशोर नटवर कृष्ण के सबसे अच्छा रूप क्या है नव किशोर नटवर गोपवेश वेणुकर नरलीलार हय अनुरूप कृष्ण नटवर नटराज कौन है शिव जी जब तांडव नृत्य करते हैं सब ढंग से हो जाता है वो नटराज और नटवर कौन है कृष्ण जितने भी नट है सर्वश्रेष्ठ होने के कारण नटवर है राजा से भी श्रेष्ठ है जितने भी नटराज हो सबसे श्रेष्ठ ये नटवर वर अर्थात श्रेष्ठ इसलिए तो ठाकुर जी हम नटवर के कहलाते हैं और ये क्या है ये परम मनोहर नव किशोर दारकादी से अपेक्षा भी अधिक सौंदर्यशाली है বাসুদেবের কৃষ্ণের মাধুরী দেখি বাসুদেবের ছোঁ সেই মাধুরী আচ্ছাদিতে উপজয় লোভ ব্রজকে কৃষ্ণকে মাধুরী দেখ করকে বাসুদেব কৃষ্ণ যে দ্বারকা কা ছোঁ হতা ইতনি সুন্দর রূপ মাই ভি রূপ পানা চাহতা হুঁ দেখিয়ে ইসমে উদাহরণ দেতা হুঁ যে গুরুদেব বলতে কহতে থে
जब कृष्णा द्वारका में रहते हुए ब्रज गोपियों को याद करते करते विशेष करके राधा जी की याद में मूर्छित हो गए। मूर्छा भंग कैसे हो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। ब्रह्मा जी क्या किया, एक नव वृंदावन बना दिया और इसको मूर्छा भंगाने में बोले केवल बलदेव कर सकते हैं और किसी से नहीं होगा। बलदेव से कहा तुम एक काम करो, तुम अपने गोप वेश में सज लो और कृष्ण को भी सजाओ। सजा कर कैसे करो, कहना चलो चलो गोचारण जाना है, देर हो गया, सूर्य उदित हो गया, मैया व्याकुल है, चलो चलो, ऐसे करके तुम आगे बढ़ना, देखो सखा लोग क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ऐसे कर दिया और क्या किया, कृष्ण को गोप वेश में सजा दिया, अभी सजे उठा ले, कहना उठ 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 भाई उठ, देर हो रहा है। कृष्ण लोग गिर जाते हैं, ये करते हैं, अरे इतना देर सो रहा है, उठ उठ, ऐसे उठाया, क्या है, मैं कहां हूं, क्या कर रहा था, हाथ में देखा बंसी, सिर पर मोर मुकुट, पूरा गोप वेश, समझना सब क्या है, जो माया की भूमिका है दिखाया, देख करके बोले मैं आगे चलता हूं। गोचारण के समय बलदेव सबसे पहले जाते हैं और लौटते समय कृष्ण सबसे पहले लौटते हैं बलदेव पीछे। इसका दो कारण गुरुदेव बताया, एक कारण है मैया यशोदा बलदेव को मंडली भद्र सुभद्र जो वयस उम्र थोड़े बड़े हैं खट्टा खट्टा है, उन लोगों तुम लोग इसमें रखा करना, ये तो कमजोर है और अपने दुस्साह से काम करना चाहते, जानता नहीं क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, तुम लोग देखना, असुर आए तुम लोग सामना करना, इसलिए बलदेव सुभद्र मंडली भद्र तीन कम से कम आगे जाएंगे और यदि असुर आएगा वो लोग सामना करेंगे, कृष्ण पीछे रक्षा होगा। और लौटते समय कृष्ण आगे क्यों, अगर पीछे से भी असुर आक्रमण करेगा ये लोग उनका सामना करेगा, ये माँ यशोदा की दृष्टिभंगी है, माँ जी को आदेश देती थी। दूसरा क्या है, अब गुरुदेव दूसरे कारण दिखाते हैं, जब कृष्ण आगे चले जाए जो ब्रज गोपियां किशोरियां वो झरोके से अटारी से दरवाजे के सामने आकर आधा दरवाजा बंद करके देखेंगे उनका कृष्ण का आंख में आंख मिल जाएगा और बलदेव को सामने रहेगा, तो ये शर्म की बात है। इसलिए कृष्ण अपने प्रिय नर्म साखा के साथ आते थे, बलदेव चले गए या गोपिया की कोई पाबंदी नहीं है इसलिए, और लौटते आगे क्यों, आगे लौटने पर ब्रज गोपिया प्रतीक्षा करती थी और बलदेव को सामने रहेंगे तो क्या होगा, तो फिर गोपिया उनके ऐसे आंख में आंख में लगे देख नहीं सकती, इसलिए बलदेव को पीछे। दो कारण गुरुदेव बताया, ए भक्त यू विल कम लेटर एंड मेकिंग ब्लॉक फॉर अदर्स, तो नव किशोर नटवर गोपवेश बेनुकर, तो क्या हुआ, तो उसमें आप कृष्ण उठ के कहना मैं आगे चल रहा हूं, तू आप देर नहीं कर, देखो गाय आगे बढ़ गई है, कृष्ण कुछ समझ नहीं सके, सचमुच तो ऐसे बनाया ब्रह्मा जी ने, इतनी सुंदर मूर्ति बनाया, मानो मूर्ति मुंह का रखे और बोल नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं सके, गैया जा रही है सखा जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं सके। और कभी कभी कृष्ण का ऐसे नित से उठने देर होने पर मैया यशोदा व्याकुल हो जाती थी, मैया यशोदा नंद बाबा को खड़ा कर दिया, मैया के हाथ में ब्रह्मा जी मक्खन रख दिया, कृष्ण आए पिताजी का पैर छुया माता जी का पैर छुया और मक्खन हाथ से लेकर के मैया की तरफ देखते हुए ऐसे कुद्धे चले गए जैसे करते थे पहले, कुछ भी नहीं समझ सके। अब थोड़ा आगे बढ़े, देखा क्या कि ब्रज गोपियां हैं, ये है राधाई झाड़ियों में है छिप के देख रही है, आखिर राधा जी कहा राधे क्या तुम सच समझ लिया, मैं तो एक सपना देखा था, राधा जी को चुंबन किया अगर समझ नहीं सके, ये मूर्ति आर्टिफिशियल की सच है, देखो
मैं केवल सपना देखा, मैं ब्रज में तुम लोगों को छोड़कर के द्वारका गया, 16108 शादी किया, एक एक से 10-10 बेटे की बेटी ली, ये तो सपना देखा, थोड़ी सच है। मैं देर नहीं करूंगा, वापिस आके तुमसे अकेला आके अंत में बात करूंगा। ये बोले चले गए। अब आगे बढ़े, वो सोच रहे थे समुद्र को जमुना जी, ये क्या बात है, और इतने सुंदर रूप, यहां तक कि जो कंस की मां थी पद्मा डकरी, और उधर क्या है जो कृष्ण की महिषिया थी, वो भी रूप देख के मोहित हो गई, इतने सुंदर रूप, उसको रोक दिया गया, रोहिणी माँ ये सब रोके, और पद्मा दौड़ पड़ी आलिंगन का, इतना कमा सक्त हो गई, ये कमा सक्त हो दौड़ पड़ी, उसको आलिंगन करना है, उसको भी रोका गया, इतने सुंदर रूप एक डकरी वो भी कमा सक्त का आलिंगन करने जा रही है, सबको रोक दे तो रस भंग हो जाएगा। तब हुआ क्या, डोंट डिस्टर्ब, तो देख के जमुना को, जमुना भंसन से, जमुना है क्या है, जमुना तो उत्ताल तरंग तो नहीं है, मैं कहां आ गया हूं, ओ ये वृंदावन नहीं, अपने को बार बार देख रहे हैं ये समुद्र। तब पता चला कि मोहचित हो गए थे, ब्रह्मा जी उनको आए, प्रभु ऐसे ऐसे किया गया, बताया, इतने सुंदर कृष्ण का रूप, ऐसे कृष्ण का रूप देख करके, कृष्ण माधुरी देखी, वासुदेव छोभ, सही माधुरी आस्थादित उपजय लोग उसको उपभोग करने के अंदर लोग उत्पन्न, तभी तो जसोदानंदन सचिनंदन के रूप में आए। फिर प्रश्न हो सकता है तो सचिनंदन नित्य नहीं है, कृष्ण नित्य है, ये प्रश्न कोई कर सकते है, आज नहीं काल नहीं तो परस नहीं वर्ष में करेगा, नित्य है, हम लोग को समझाने के लिए ऐसे कहा गया है। नवकिशोर नटवर और सत, और सत से क्या सत्ता, यदि सत न हो किसी की सत्ता नहीं रहेगी, सब की सत्ता ये सत मतलब संधि शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। और चित, चित अर्थात ज्ञान, कौन सा ज्ञान, और सबके उदिष्ट देवता कौन है, बलदेव प्रभु, ब्रज के जितने भी परिकर है, यहाँ पर जो महाभाव सभी राधिका उनका भी सबके द्वारा संधिनी शक्ति के द्वारा, नहीं तो सत्ता रहेगा नहीं। चित अर्थात ज्ञान, चित ज्ञान क्या है, संबंध ज्ञान, हमें भजन करते करते बताया, स्वरूपे सवार है गोलोक स्थिति, स्वरूप में सबका स्थिति कहाँ है, गोलोक पर है, एक दिन हमें गोलोक वृंदावन जाना है, हम जितने सिंसियर होंगे, गुरुदेव कहते थे लॉयलिटी सिंप्लिसिटी सिंसियरिटी की ऑफ सक्सेस, हमें हरि गुरु गुरु वैष्णव का वफादार बनना पड़ेगा कुत्ता जैसे, और सिंसियर बनना पड़ेगा, और सरल हृदय होना पड़ेगा, जो जितने होंगे वो उतना ही आगे जल्दी बढ़ेगा। ये जैसे जब बारिश होती है, एक तरह से बारिश होती है, सब एक प्रकार से पहाड़ के चोटी पर ये पानी नहीं ठहरता, जहां नीचा जमीन वहीं पर ठहरता है, ऐसे जितने अभिमानी होंगे उस पर कृपा बरसेगा नहीं, होने पर भी धारण नहीं कर पाएगा, इसलिए क्या है, जो जितने लॉयल होंगे और सिंपल सहज हृदय होंगे सिंसियर होंगे उन पर इतना अधिक कृपा बरसेगा। चित का क्या है, हमें पहले संबंध होना पड़ेगा तभी हम ब्रज में जाएंगे, जैसे हमारे वनमहाराज मुद्रा में बता रहे थे, गोप कुमार की सुना रहे थे, क्या है वो सुख रस, सुख रस में क्या है, तुम्ही आमी बड़ो लोग, तुम्ही कौन बड़ो लोग, तुम्ही आमी सब, तुम कौन से बड़ा व्यक्ति का बेटा हो गया, हम तुम बड़े बराबर है, कंधे चढ़े कंधे चढ़ाए करे रन, सखा को कंधे में चढ़ाते कंधे सखा और कंधे में चढ़ते हैं, लड़ते हैं आपस में लड़ते फिरते हैं, कृष्ण अपने दिल खोल के सखा से बात कर सकते हैं लेकिन मैया बात से नहीं, लेकिन सब बात सब श्रेष्ठ हो, बोले नहीं क्यों,
सखरस के जो गुण है बात्सल्य में तो है ही है, फिर लालन पालन ताड़न भक्षण सखा खेलकूद करेगा ये करेगा, कृष्ण खाया नहीं खाया सोचेगा नहीं, कृष्ण गलत करने पर माँ बाप चाहते ये अच्छा लड़का बने वो लोग डांटेंगे डांटेंगी, सखा लोग नहीं खाओ पियो मज करो बस मस्ती मारो दोस्ती करो मस्ती मारो, ये माँ बाप कैसे नहीं, लालन पालन ताड़न भक्षण ये दिखाया। इससे भी अधिक क्या है ब्रज गोपिया, ये जो है सखा से अधिक बात्सल्य बात्सल्य ब्रज गोपिया, क्यों चैतन्य चैतन्य बता निजांगो में भी जा गोपा श्लोक में सर्वांग दे करके कृष्ण की सेवा कर सकते और कोई नहीं कर सकते, मुरा श्लोक बोलो निजांगो में भी जा गोपा ममिति सम उपासते तसाम न सुरलभा पार्थ निर्गुण प्रेम भाजे, ये निजाम जा गोप्पा ये और कोई नहीं कर सकते, इसलिए कृष्ण अधिक सबसे पॉसिबल है, तीनों में से एक हमें संबंध करना पड़ेगा। ये संबंध कैसे होगा, चित के द्वारा, सच्चिदानंद चित है चित के द्वारा होगा, और आनंद आनंद क्या है लादिनी सच्चिदानंद, आनंद के अधिदेवता कौन है श्रीमती राधा ठाकुरानी, चित के अधिदेवता स्वयं कृष्ण, सत के बलदेव प्रभु लादिनी के श्रीमती राधिका, इसके द्वारा कृष्ण स्वयं आनंद को भोग करते हैं भक्त को भी आनंद देते हैं। जब सब चित और आनंद तीनों एक साथ मिलित रूप में प्रकाशित होते हैं वही सच्चिदानंद राधा कांत है, अलग अलग होने पर सब अलग होने पर बलदेव प्रभु, चित अलग होने पर श्री कृष्ण, लादिनी अलग होने पर श्रीमती राधिका, तीनों एक साथ होने पर तब श्री कृष्ण। अब यही है विशुद्ध सत्य, समस्त रसों के विषय होते हुए भी कृष्ण आशा जातीय भाव को आसादन करने के लिए कौन सा मतलब प्रेम रस निर्जा स्वरिते आसादन राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण, प्रेम रस के जो निर्जा एसेंस ऑफ प्रेम रस वो क्या है राधिका की भाव, उसमें दो दिखाया एक प्रेम वैचित्र और एक क्या है बोलो प्रेम वैचित्र और एक है दिव्य उन्माद, दिव्य उन्माद चित्र जल पे सब, इसमें क्या है प्रेम वैचित्र में मिलन में विरह, उसमें मादमा का भाव में मिलन में विरह विरह में मिलन, ये राधिका जी का मनोपली है और किसी के पास नहीं। प्रेम वैचित्र में क्या है प्रेम वैचित्र में ये महिषी में कुछ परिमाण में है, गुरुदेव उदाहरण देते थे जब कृष्ण गोचारण में जाते थे किसी न किसी बहाना बना करके कभी सुबल को कभी उज्जवल को कभी मधुमर लेके आ जाते थे, कहाँ जाना है बता रहे थे ना, कभी कानेर पुल इधर इधर, इससे गोपियां समझ जाती थी कृष्ण से अंगभंग किधर जाना है लोग समझते इतना ट्रेंड ऐसे गए। प्रेम सरोवर हम जाएंगे एक दिन गोवर्धन में रहते हुए, उधर प्रेम सरोवर में रहते हुए क्या किया कृष्ण आ गए सखा को लेकर के साथ में मधुमंगल था, कृष्ण राधा दोनों बैठे सखिया आसपास में है, राधा जी कृष्ण को ऐसे सीधा हाथ से कृष्ण कमर पे से पकड़ के रखी है और कृष्ण गलबैया देके रखा है, राधा जी के पैर के तलवा इतने सुंदर सुगंध कोमल लालिमा लिए हुए है, भ्रमर आके गुनगुना रहा है, सोचा ये क्या है ये कमल का पुष्प है कमल सा गंध आ रहा है, उसमें प्रवेश कर रहे मधु आसन दे रहा है, डर रही है नरवत लीला में, ये देखते ही मधुमंगल क्या किया अपने लौकुटी ले करके भ्रमर को ऐसे घुमाते घुमाते बहुत दूर भगा दिया, आके बोला मैं मधुसूदन को बहुत दूर भगा दिया तो कभी आ नहीं सकता, मधुसूदन अर्थात जो मधु को फूल के मधु को आस्वादन करते मधुसूदन, मधुमंगल का कहने का तात्पर्य मैं भवरों को बहुत दूर भगा दिया आ नहीं सकता, दूसरा अर्थ क्या है
जो गोपियों के प्रेम मधु को आस्वादन करते हैं वो कौन है? कृष्ण। और है क्या है? मधु माने आसक्ति, आसक्ति जो काटते हैं मधुसूदन। संत ये बात सचिंदंती मानव संग मुक्ति भी। संत क्या करते हैं? अपने वचन रूपी तलवार के द्वारा हमारे जोड़ी आसक्ति को काटते हैं। तो जब ये बोला मधु मंगल ने राधा जी का सच्ची, अरे कृष्ण को भगा दिया, कृष्ण को पकड़ी हुई है, कृष्ण उनको पकड़े हैं, गोदी मूर्छित हो गई। यह है प्रेम वैचित्र मिलन में विरह। इससे अधिक क्या है? मदनाख महाभाव मिलन में विरह, विरह मिलन जो भ्रमर में दिखाया। इसी आश्रजातीय भाव को आस्वादन करने के लिए क्या हुआ? वही कृष्ण सचिनंदन गौर हरि के रूप में आए। इसके बाद सच्चिदा रूपम सबसे क्या है? पहले चाहिए रूप। इसलिए कृष्ण को तन नाम रूप चरितादि, पहले नाम और उसके बाद रूप, रूप से बता रहे हैं। रूप यदि न हो पहले दर्शनधारी परे तार गुण विचारी। पहले लोग रूप से आकर्षित होते हैं फिर गुण, जब पता चलता है ऐसे गुण ही है तब और आकर्षित हो जाता है। एक छोटा सा बताता हूं, बगुला का रंग कैसा होता है? सफेद है। और कोयल का बिल्कुल काली है। बक और कोयल में दोनों बात चल रहा है। बक बाबा जी बोले कोकिल तुईते तो कालो, तबु तो के सबाई के नवासे तो भालो। बगुला बोल रहा है कोयल से, देख कोयल तू तो काला कलूठा है, फिर लोग मुझे प्यार क्यों करते हैं? देखो मैं कितनी गोरे हूं, लोग मुझे प्यार नहीं करते हैं। लोग गोरे चमड़े से अधिक प्यार करते हैं। जब विदेश आने पर भारत के लोग, अभी तो बहुत साल हो गया, पहले जो आए वे अभी गांव में जाओ लोग कितने प्यार करते हैं। हमारे तीर्थ माई के साथ जो प्रचार वाले विदेशी लड़के जाते, पीठा पाना बहुत खिलाते, कितने उन लोगों को प्यार करते हैं, क्यों रूप देख के फिदा हो जाते। तो बगुला बोल रहा है देखो ऐसे क्यों? हम कोकिल बोल रहे हैं, कोकिल बोले रूप को रूप की हमें चाहता आगे गुण, तरकारीटा तखन भलो जखन देवे नून। बाबा कोयल बोले रूप की हमें चाहता आगे गुण, कोयल बोले रूप से क्या गुण चाहिए? गुण। सब्जी में तभी टेस्टी होगा, तुम जितने घी गरम मसाला कुछ भी दो अगर नमक नहीं देगा टेस्ट नहीं होगा, नमक देने पर टेस्ट आ जाएगा, ऐसे गुण चाहिए। पहले कृष्ण का रूप वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण के बहुत स्थान में रूप का वर्णन होने पर भी रूप भागवत में तीन स्थान में दिखाया। जब कृष्ण गोचारण में गए सखा लोग के जो छाक है दूसरे जगह चला गया, लोग इधर आ गए जहां पर अपरूढ़ घाट, सखाओं को भूख लगी। सखा करे कृष्ण से, कृष्ण असुर आक्रमण के असुर, असुर कहाँ है, कौन सा असुर है? बोले सखा दिख क्या नहीं, पेट के अंदर है, तब के समय भूख लगी है, आज आया नहीं तो जाओ देखो वो पास में यज्ञ जागी ब्राह्मण लोग यज्ञ को से जाओ कुछ मांग के लाओ। वो लोग गए, वो लोग कुछ बोला नहीं, उत्तर ही नहीं दिया, सुनाई नहीं, वो लोग खड़े रहे। फिर उन लोग को बताया, देखो बोले अभी यज्ञ पूरा नहीं, हम कुछ नहीं दे सकते, बता इस यज्ञ में ऐसे नियम है, इसमें आप लोग बच्चे को और आतुर को दे सकते भोजन, नहीं दिया। लोग वापिस आए, मन खटका हो गया। कृष्ण फिर जाने के लिए कहा जाओ, सखा लोग जाने के तैयार नहीं है। बोले देखो उनकी पत्नियां बहुत कोमल हृदय वाली है, उनके पास जाओ। इसमें कृष्ण क्या सिखा रहे हैं? इसमें प्रचार सिखा रहे हैं। प्रचार में जाने पर लोग भिक्षा देगा, एक बार सत्य देगा नहीं, कोई प्यार करेगा, कोई गाली देगा, कोई बोले सब समय आ जाते हो ऐसे बोलेगा, गाली देगा। इसलिए प्रचार में जाकर के आरी मुझे ऐसे गाली दिया, प्रभु जी आपने प्रचार में भेजा, मैं अब प्रचार में नहीं जाऊंगा, मैं आप ही के पास रहूंगा, प्रचार में जाना ही पड़ेगा। प्रचार में जाने पर क्या होगा? अभिमान दूर होगा। भिक्षा में जाने पर देखो भगवान कृष्ण है, उनको भी गुरुकुल में देखो लकड़ी लाने जाना पड़ा, प्रभु राम को देखो सब किया, इसलिए जाना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण प्रचार सिखा रहे जाओ। एक सिखा बताता हूँ,
मैं जब मैं मठ में आया गुरुजी बोलते मथुरा का जन्माष्टमी का जब तक जन्म जिएगा तब सेवा करना है। एक घर में प्रोग्राम हुआ था, हम लोग गए, बाबा जी का शिष्य था, उनका दुकान था, घर में गए, फिर एक पीपा तेल बोला दे दिया, दूसरे बोले बहन चो तेरा ठीका ले रखा हूँ, हर साल दे देना ही पड़ेगा, फिर आ गया तू। बोली बाबू जी आप तो ठीका नहीं लिया, मैं ठीका लिया गुरु जी की सेवा करने के लिए, आपकी सेवा वस्तु सेवा में लगना है तो आप देंगे, नहीं नहीं देंगे, दिया नहीं। बोले ले रहा था 100 रुपया लेके जा, भाग इधर से। बोले साले दोबारा मत आना। बोले बाबू जी मैं तो पैसा लेता है, देख लीजिए, लिया नहीं। फिर गुरु जी अगर बताया बोले और जाने की जरूरत नहीं है। फिर प्रसाद एक बार तो मेरे को कुत्ता लगा दिया। महाराज मेरे को भेजे, मैं तो मैं समय छोटा था, हमारे सागर महाराज भेजे उस घर से भिक्षा लेकर के आ गया, मैं एकदम छोटा था, 20 साल का था। बोले बाबा कोई काम धाम नहीं, भिक्षा के लिए कुत्ता लगा दूंगा, कुत्ता लगा दिया मेरे पीछे, और मैं तो वहां से भगा वहां। इसलिए उसके बाद में मेरे को तो भिक्षा का नाम सुनते ही घबरा था। ऐसे कुत्ता हमारे बनमहाराज को तो 2-3 बार मथुरा में कुत्ते काटते, बनमहाराज जी को जो भिक्षा में जाते थे बनमहाराज जी, 2-3 बार उनको कुत्ते ही काट दिए। एक बार तो मैंने भिक्षा करते करते रास्ता में साइकिल में बहुत गर्मी था आ रहे थे बनमहाराज, तो रास्ता में गिर पड़े, हाँ इसमें बेहोश हो गए, क्योंकि बहुत दूर तक उनको गर्मी का समय में साइकिल में भिक्षा में जाते थे। एक बार तो जब मैं पहले मथुरा में आया, मतलब बनवार इतने सेवा किया गुरुदेव की, इतने सेवा की भिक्षा करते हुए, एक बार के साथ अप्रगट होने जा रहे थे, एक बार कोई बात अप्रगट होने जा रहे थे, मतलब उन्होंने इतने सेवा किया। इसलिए दुनिया में भिक्षा के लिए हमें जानी चाहिए, जब हाथ नीचे करते हैं देने वाला हाथ ऊपर रहता है, जब देते हैं अपने आप अंदर में जो त्रिनाद भी सुनिचे न दर्द भी सहिष्णु ना अमानी ना मान दल कीर्तनिया सदा हरि। इसलिए भजन करने के लिए ये त्रिनाद भी होनी चाहिए, घर में जाओ गाली बोल के सुनोगे हैं फिर सहन शक्ति होएगा। इसलिए कहते ना जो सहे सो रहे और जो ना सहे वो नाश है। इसलिए मंदिर में इसलिए गुरु वैष्णव जब थोड़ी सी डांट लगा दे, ऐसे नहीं अरे हम इतने बड़े घर के हमको गुरु वैष्णव डांट लगाए हम नहीं रहेंगे, हम क्या साधारण घर के आए, कोई काम हमारे की कमी है नहीं, ऐसे होने से फिर हम भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए भक्ति करने के लिए हमें सहन शक्ति की बहुत जरूरत है। जब गुरुदेव कथा सुनाया करते थे सुना देता हूँ, एक समय कोई एक व्यक्ति था, उनका सेवा था रोज यमुना में जा करके कलश में पानी भर करके लाता था और ठाकुर जी के उसमें अभिषेक होता था। एक दिन उसने कुछ गड़बड़ की, गड़बड़ की तो गुरु जी ने डांट लगा दी। गुरु जी ने डांट लगाया तो बोले और मैं मठ में नहीं रहूंगा, हैं मैं रोज रोज इतना सेवा करता हूँ, गुरु जी तब भी मेरे को डांट लगा दी, आज मैं जब यमुना में पानी लेने जाऊंगा पास वहीं से कलसी रखूंगा और वहीं से मैं घर में चला जाऊंगा। अभी ये सोच करके आए, आ करके वो कलसी को जो जमुना को किनारे रख कर के जा रहा था, वो जो कलसी था ना बोले कहाँ जा रहे हो, जो कलसी बोल रहा है कहाँ जा रहे हो, बोले मैं रोज रोज कलश में पानी ले जाता हूँ, ठाकुर का अभिषेक होता है, इतना दिन भर सेवा करता हूँ और गुरु जी मेरे को डांट लगा दी, मैं और मठ में नहीं रहूंगा। बोले ध्यान से मेरी बात सुन, बोले क्या है, बोले जाने तो पहले मैं कहाँ था, पहले पहले लोग जहाँ करे टाटी पेशाब करते थे मैं वहीं पर था, वहां का मैं मिट्टी था, किसी कुम्हार ने वहां से मिट्टी को लाए तभी मेरे को छोड़ा नहीं, मेरे को धूप में फेर दिया और धूप बड़ी कड़ी धूप में दिया तब भी नहीं छोड़ा, डंडे मार मार करके मेरे को पिटाई किया, पिटाई करके फिर मेरे को एकदम बोला, उसके बाद में पूरा मेरे को मुलायम किया तब भी नहीं छोड़ा, फिर मेरे ऊपर पानी डाला तब भी नहीं छोड़ा। अब देखेंगे कुम्हार लोग क्या करते हैं, अरे प्यार से उसको रोनते हैं, प्यार से उसे रोनते हैं, मेरे को प्यार में खूब रोंधा तब भी नहीं छोड़ा, क्या किया फिर तो मेरे को रोंद करके फिर चक्की के ऊपर चढ़ाया, चढ़ा करके फिर मेरे को घुमाया, देखे होंगे फिर से कलसी बनाते चक्की के ऊपर मेरे को घुमाया, घुमा करके आप लोग देखना फिर तभी नहीं छोड़ा, उसको नीचे हाथ रखे ना कि डंडे से मार मार कर, जो देखे होंगे पता होगा डंडे से मार मार कर उसको कलसी का स्वरूप दिया।
बोले तब भी नहीं छोड़ा मेरे को, फिर धूप में दिया 8-10 दिन तो फिर धूप खाया, बोले तब भी नहीं छोड़ा, बोले किया। आप देखे होंगे जब उसको लाल रंग कैसे होता है, अंदर में कोयला दे करके, लकड़ी दे करके, ऊपर से पूरा पोत देते हैं पूरा, जैसे वहां से धुआं तक भी नहीं निकल सके, फिर उसमें आग लगा, आग लगा दिया तो, और आग लगा करके मेरे को उसने पता नहीं 3-4 दिन तक आग लगा दिया, और आग में इतना कष्ट मैंने भोग किया, कष्ट भोग करके फिर हमें लाल रंग पूरा हो गया, तब भी मेरे को नहीं छोड़ा, बोले क्या किया, फिर बाजार में ले गया बेचने के लिए, और एक डंडा रखा जो आए ना, अब देखना जिस समय मछली खरीद करता है पहले उसको कान पकड़ता है, कान पकड़ कर उठाएगा डंडा रखता है मारता है उसको, मारता है ये सही है कि नहीं, खट्टा है ना सही, जो आए और कान पकड़े, और कान पकड़ कर उठाए और जो आए मारे, जो आए मारे, ऐसे करते करते किसी भाग्य से तुम्हारी गुरु जी आए, किसी भाग्य से तुम्हारे गुरु जी आए, वो भी आकर के मेरे कान पकड़े, कान पकड़े तभी मेरे को डंडा मारे, लेकिन डंडा मार करके उन्होंने देखा मैं सही हूँ, फिर वहां से उन्होंने मेरे को खरीदी करके लाए, खरीदी करके ला करके फिर तभी नहीं छोड़े, रोज रोज मेरे को ले जाते हैं, ले आते हो तो पानी भरने के लिए, पानी जब भरते हैं कैसे रखते हैं, पूरा डुबो देते हैं, जैसे कि व्यक्ति का गला पकड़ कर डुबो देता है ना, ऐसे ही मेरे को तुम डुबाते हो, डुबो करके फिर मेरे को ले जाते हो ठाकुर की मंदिर में पानी लेकर के, फिर क्या करता है, फिर गुरु जी मेरी सेवा करते हैं, आप सेवा करते समय आप देखना धूप दीप नैवेद्य अघूर चंदन कर्पूर सेंट से ठाकुर को सेवा होता है, जब सेवा होता है वो कलसी से पानी डालता है और सेंट में चंदन में हाथ लगाता है, उसी हाथ को किसी में करता है कलसी में, जब कलसी में करते करते कलसी में भी सुगंध आ जाती है, ये कलसी में भी सुगंध आ जाए, देख रहे हो आज मेरे शरीर से कितने सुगंध निकल रहा है, और आज मेरे से क्या हो रहा है, ठाकुर जी की चरण की रोज रोज ये पानी यमुना पानी में मैं रोज स्नान करता हूँ, और मेरे पानी लेकर क्या करते हैं, पानी लेकर के रोज रोज ठाकुर जी की अभिषेक करते हैं, ठाकुर जी की सेवा में मैं लग रहा हूँ, कब सेवा में लग रहा हूँ, जब इतने कष्ट को मैंने सहन की, इसलिए गुरुदेव मथुरा में रहते समय अगर थोड़ी किसी सेवक का कोई मन खराब हो गया, डांट लगा दिया गुरु जी, अगर मन खराब हो जाता है ना, फिर गुरु जी ये स्टोरी सुनाते थे, ये कथा सुनाते थे, फिर ये कथा सुन करके फिर हमारे हृदय में भी नहीं, गुरु जी हमारे अच्छे के लिए बोले हैं, इसमें हमें गौरव नहीं करनी चाहिए, इसलिए जो सहे जो सहे और जो ना सहे ना सहे, इसलिए इसलिए प्रभुपाद कहते हैं मठवासियों का सहन करना मठवासियों का एक प्रधान गुण है भैया, मठ में रहने के लिए, हाँ इसलिए बंगाल में कहते हैं जल जल पानी और क्या जलो जलो डाल वैष्णव का गाल, जल जल डाल बंगला में जल जल डाल और वैष्णव का गाल, मतलब वैष्णव का गाल ही सुनना पड़ेगा, और जो जल जल पानी हमारे नवद्वीप में बैठे भैया बता प्रचार करने जाते, अभी डाल वाला एक जिले का माने 10-15-20 आदमी, लेकिन आ गया फिर 20 आदमी, फिर क्या करते थे, बस पानी जितने लोग आते थे उसमें पानी मिलाते रहते थे, और उसमें नमक, और जब देते थे ना एक भी दाल के पानी पानी है, हाँ इसलिए जल जल दाल और वैष्णव का गाल, वैष्णव का गाल ही सुनना पड़ेगा, फिर तो जाकर के सारा जीवन किसी तरह से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, इसलिए प्रभुपाद जब अंतिम समय में प्रभुपाद जब जाने से पहले उनने सारे भक्तों को बुलाए, हाँ प्रभुपाद भक्तों को बुलाए, भक्तों को बुला कर प्रभुपाद का अंतिम उपदेश है, बोले सत्य लांछना सत्य गंजना सत्य अपमान सुन करके भी हरि भजन नहीं छोड़ना, प्रभुपाद का अंतिम समय उपदेश है, सत्य लांछना सत्य गंजना सत्य अपमान सुन करके भी हरि भजन नहीं छोड़ना, हैं हरि भजन में टिके रहना, और मेरे गुरुदेव कहते थे इसी तरह से एक जीवन मिलजुल करके गुरु वैष्णव की सेवा करते हुए एक जीवन किसी तरह से बिताओ, मेरे गुरु जी का उपदेश, अगर किसी तरह से बिताओगे तो क्या होगा, संस्कार बनेगा मठ में, संस्कार बनेगा तो फिर तो यही संस्कार ही आगे आगे धीरे 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 हमें भजन में ले जाएगा, इसलिए मंदिर में रह करके सहन शक्ति पूर्वक
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. ये रूप तो क्या हुआ सखाओं को बोले दोबारा जाओ कृष्ण प्रचार सिखा रहे हैं ये मैं बनवाने का बात बोलने वाला था वहां ही बताया हां बंगाल से बंगाल में इतना धूप भी नहीं इतना ठंडी भी नहीं और महाराज जी से उनको भी डर नहीं है तो बन भाई भिक्षा में जाते बेचारा थके मांदे आते प्रति समय गर्मी में कभी एक बार दो बार उनको जाना पड़ता जब ऐसे देखा माई बोल नबी नहीं मरा मरा से बोल तभी डॉक्टर दाखिल सेवाएं चढ़ा ऐसे करके कितने सब सेवा किए हम लोगों ने जब हरि का उदाहरण दिया ना तब हम लोग इस अवस्था में आए हैं ऐसे नहीं जी जान के सेवा किया तब ऐसे हुआ है और ये श्रीधर महाराज दुकुरी में अपने गुरु जी के आश्रम में थे हमारा छोटा भाई हमसे पहले मठ में आया था अभी गोवर्धन जाने पर तुम लोग चलो देखेगा तो उनके हरि कथा सुन करके महाराज जी बोले ये जी तो गुरु जी कैसे होंगे और प्रतिदिन हरि कथा सुनने के लिए आते थे तो बोले मैं आप गुरु जी के पास जाऊंगा नंद ने क्या किया उनको खिलाया पिलाया कमरे में रख करके लॉक कर दिया क्योंकि ट्रेन था शाम के समय अब हुआ क्या गए नहीं घर के मठ के लोग आए कहां गए रसानंद कहां नंद का कई लोग आए बोले आपके पास आते बुलाते हैं प्रतिदिन जाते हैं चले जाते चले गए मैं क्या जानू बस कोई बात आए नहीं मिले फिर लॉक खोल के तो कल कौन जानेगा उसमें है भोजन देते कद रात को शाम को दिन में चढ़ा दिया आए कुछ दिन बाद समझ सके और पता ना मन मन खराब होता गुरु जी कुछ कहने पर ये श्री भक्ति श्री सिद्धांत गोस्वामी महाराज शिष्य के होने के नाते गुरुदेव उनसे रहस्य करते नहीं तुम गुरु भाई अब पैर मत छूना पैर तेल मत लगाना हम लोग लगाते इनका मन खराब होता गुरु जी पैर हटा लेते और हम लोग गुरु जी ऐसे भाई भाई बोलने का हम लोग चाचा गुरु बोलते तो गुरु जी को तो संबंध ही बना लिया और क्या एक दिन हम लोग तेल लगा रहे मन खराब हो गया गुरु जी नहा दे रहे हैं और उस समय गुरु जी को शिष्य नहीं करते थे जब तभी मुझे हरिनाम दिया था वनमहाराज को हरिनाम दिया था प्रेमानंद रूप को हरिनाम दिया था लेकिन दीक्षा हमारे गुरु महाराज श्री बामन गोस्वामी महाराज देते थे उस समय और कोई नहीं तो ऐसे उनका मन खराब तेल लगाने के समय बताया आज भी तो मेरा परोक्ष या शिष्य अच्छा है तो मैं बताया शिष्य से सिद्धांति रूप नारायण से परोक्षम तैलमर्दन नित्य सेवा चाचा गुरु भजा महन मैं बताया कि शिष्य से सिद्धांति रूप ये शिष्य किनके है श्री रूप सिद्धांति महाराज के और नारायण से परोक्षम नारायण के परोक्ष शिष्य है हमारा कौन है और उनका सेवा क्या है तैलमर्दन नित्य सेवा इनका तेल माखना आपको नित्य सेवा है ऐसे चाचा गुरु में भजन करता हूँ श्लोक सेवा के साथ सुना दिया गुरुदेव हंसने लगे प्रेमानंद जी लोग सब हंसने लगे उस दिन से पाबंदी हट गया अब बहुत कुछ है गुरु जी के मैं बोलता है तुम लड़ना है बाहर लड़ो नहीं तो आने नहीं दूंगा नहीं नहीं प्रभु जी आने तो मैं लड़ेंगे अच्छा कोई लड़ेंगे इनका सीखा पहले बहुत बड़ा था उसका भी मुझे एक दिन आया गुस्सा क्या किया लड़ने दोनों को सिखाए बांध पता नहीं चला दोनों को सिखा में बांध दिया ये राधा कृष्ण गठबंधन कर दिया ना गोपियों ने दोनों को गठबंधन फिर आके तेल लगावे लगावे अब जब इक खिंचाई पड़ रहा है बोले तू मेरा सिखा के खिंचा तू तो मेरा सिखा के इन दोनों को बाहर आके भी खुला तो एक एक बार दिया अब आते हैं फिर दोबारा भेजा कृष्ण को सॉरी कृष्ण सखाओं को भेजा फिर जब उनकी पत्नी आई सुनते आ गए फिर कृष्ण को देख के रूप वर्णन किया फिर एक स्थान में ब्रह्मा और एक स्थान में ब्रज के वर्ण से इसका मंदिर काम रचना करेगा यही चल रहे अभी प्रसाद पा करके हमें निकलना है हम सबसे पहले जाएंगे कालियादह फिर प्रबोधानंद के भजनपति समाधि मंदिर फिर हम जाएंगे सनातन गोस्वामी की भजनपति समाधि
फिर मदन मोहन अष्ट सखी अद्वैत पठ के बाकी सारे प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप जल्दी से प्रसाद पाले चले पकड़ ले अब चले बोला हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे प्रसाद हो गया।